Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle and today we are going to continue with the chapter employee cost और आज हम लोग illustration number 20, 21 and 22 complete करने वाले हैं. So illustration number 20 से start करते हैं. Question बोल रहा है, in a factory bonus to workman is paid according to Rowan plan, right? Rowan plan के हिसाब से उनको pay किया जाता है. Rowan plan कौन सा वाला है? वो जो standard minus एक्चुअल आवर्स वर्क डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड आवर्स प्रोपोर्शन वाला जो था वो है रोवन प्लान. टाइम अलॉटेड फॉर अ जॉब इज 40 आवर्स. मतलब क्या है, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड आवर्स है दैट इज 40 आवर्स एंड द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस इज रुपीज 1.25. मतलब जो आर है यहाँ पर दैट इज रुपीज 1.25. द फैक्ट्री ओवरहेड चार्जेस आर 50 पैसे पर आर फॉर द आवर्स टेकन. जितना भी घंटा लगता है उनको 50 पैसे पर आर के हिसाब से ओवरहेड पे करना है. मतलब ओवरहेड का जो खर्चा आता है उतना आता है. द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ अ वर्क ऑर्डर एग्जीक्यूटेड बाय अ वर्कर इज रुपीज दिस मच. मतलब जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है, मतलब क्या है, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड दोनों मिला के जो उनका टोटल फैक्ट्री कॉस्ट आ रहा है दैट इज रुपीज 161.875. द कॉस्ट ऑफ मटीरियल इन ईच केस इज 100, राइट? तो इसमें से 100 रुपए तो मटेरियल का ही आ गया. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वेजेस कितना होगा और फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने होंगे. कैलकुलेट द आवर्स ऑफ टाइम टेकन बाय द वर्कमैन टू कंप्लीट द वर्क ऑर्डर. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. हमें बेसिकली क्या निकालना है, पहले हमें सबसे पहले निकालना है कि एक्चुअल आवर्स कितना है. मतलब वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज एच. ठीक है, सो क्वेश्चन में हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या फाइंड आउट करना है, एच का वैल्यू कितना है. तो आप लोगों को याद होगा जैसे हम लोग बचपन में मैथ्स करते थे तो हमें जो नंबर फाइंड आउट करना था हम लोग उसको क्या करते थे, हम लोग उसको अज्यूम कर लेते थे कि लेट द नंबर बी एक्स. सिमिलरली हमें क्या करना है, लेट टोटल आवर्स वर्कड बी टी. ठीक है, टी हम लोग मान लेते हैं कि टोटल आवर्स है. मतलब एच को हम लोग क्या मान लेते हैं, एच को हम लोग यहाँ पर टी मान लेते हैं. और बोल रहा है कि फैक्ट्री में जो बोनस पे किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू रोवन प्लान पे किया जाता है. रोवन प्लान का क्या फॉर्मूला है टोटल अर्निंग्स का, ये तो टाइम वेज है और ये उनका बोनस पार्ट है. दिस इज एच मल्टीप्लाइड विथ आर. फिर क्या आता है, एच मल्टीप्लाइड विथ आर मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड आवर्स, है ना. सो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करने हैं. एच कितना है, एच इज इक्वल्स टू हम लोगों ने टी अज्यूम किया है और आर तो आपको पता ही है 1.25 टी प्लस, अगेन दिस विल बी 1.25 टी मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड आर्स कितना है, 40 है. 40 माइनस एच इज योर टी, दिस डिवाइडेड बाय अगेन स्टैंडर्ड आर्स इज 40. तो इसको अभी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 40 है यहाँ इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे नॉर्मल हम लोग करते हैं, एडिशन करते हैं. सो दिस विल बी हाउ मच, 50 टी प्लस ये भी आ जाएगा आपका 50 टी मल्टीप्लाइड विथ सॉरी ये हो जाएगा 50. इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी 50 टी और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बी माइनस 1.25 टी स्क्वायर, है ना. और इस पूरे टोटल का डिवाइडेड बाय 40. ठीक है, तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर दें तो ये हो जाएगा 100 टी माइनस 1.25 टी स्क्वायर दिस मच डिवाइडेड बाय 40. सो ये जो अर्निंग्स है ये आपका क्या है, ये है आपका टोटल वेजेस ऑफ द फैक्ट्री. जब हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या क्या कंसिडर करना है, मटेरियल वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये दोनों मिला के हो जाएंगे प्राइम कॉस्ट और ये हो गया आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो अभी वो देखते हैं. हमें फैक्ट्री कॉस्ट का जो वैल्यू है ये क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है, दैट इज हाउ मच, दैट इज 161.875 इक्वल्स टू मटीरियल कॉस्ट आपको दिया है 100 रुपए, 100 प्लस ये वाला चीज, ये वाला कितना हो जाएगा 100 टी माइनस 1.25 टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40 प्लस
फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए क्या बोला है, 50 पैसे पर आर, 0.5 रुपीज इंटू टी, क्योंकि टी है हम लोग का एक्चुअल आवर्स वर्क्ड, तो इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, ये 40 यहां पर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, राइट, तो ये आ जाएगा हम लोग का 161.875 इंटू 40, 6475 इक्वल्स टू, ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 100t माइनस 1.25 टी स्क्वायर प्लस ये 40 अगेन यहां पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 20t। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो ये 4000 आ जाएगा हम लोग का इस तरफ, दिस विल बी 2475 इक्वल्स टू 100t प्लस 20t, ये कितना हो जाएगा 120t माइनस दिस विल बी हाउ मच 1.25t स्क्वायर, राइट। अभी इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप लोगों को याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम लोग इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ले आएंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फॉर्मूला था, आप लोगों को याद होगा उसका फॉर्मेट रहता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, राइट, ये फॉर्मेट रहता है हम लोग का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इसमें से हमें क्या करना रहता है, इसमें से हमें निकालना रहता है x का वैल्यू, इसका फॉर्मूला रहता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, राइट, ये फॉर्मूला रहता है हम लोगों का। ये वाला जो है ये इस तरफ आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 1.25t स्क्वायर माइनस 120t, ये भी इस तरफ आ जाएगा प्लस 2475 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। इसमें से अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला डाल के टी का वैल्यू निकाल सकते हैं, सो टी का वैल्यू हो जाएगा माइनस बी, मतलब यहाँ पर बी का वैल्यू है 120, सो सॉरी माइनस 120 है यहाँ पर बी का वैल्यू, तो यहाँ पर जब हम लोग माइनस बी लिखेंगे सो ये हो जाएगा माइनस माइनस 120 प्लस माइनस माइनस 120 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है यहाँ पर 1.25 मल्टीप्लाइड विथ सी, सी कितना है यहाँ पर 2475 डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1.25, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, सो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 120 प्लस माइनस, सॉरी इसको यहाँ लिखते हैं 120 प्लस माइनस 120 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 14400 माइनस, इसका वैल्यू कितना होगा कैलकुलेट करते हैं, 2475 इंटू टू सॉरी इंटू फोर इंटू 1.25, 12375, 12375 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू टू कितना हो जाएगा 2.5, राइट। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 120 प्लस माइनस ये है आपका 14400 माइनस 12375। अब हमें क्या करना है, इसका रूट ओवर भी निकालना है, इसका रूट ओवर हो जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 2.5, सो ये हो जाएगा 165 बाय 2.5, 165 बाय 2.5 आ जाएगा आपका हाउ मेनी आवर्स, ये आ जाएगा आपका 66 आवर्स, राइट, 66 आवर्स। और ये तब आएगा जब हम लोग इसमें से प्लस को कंसिडर करेंगे, हमेशा ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो वैल्यूज आते हैं, क्योंकि एक प्लस के हिसाब से आता है और दूसरा माइनस के हिसाब से आता है, तो अगर हम लोग माइनस के हिसाब से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मैं इधर करती हूँ,
माइनस के हिसाब से करेंगे तो 120 माइनस 45 75 डिवाइडेड बाय 2.5. तो 75 डिवाइडेड बाय 2.5 दिस विल बी 30 आवर्स. ठीक है, तो अब हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग इन दोनों में से कौन सा वैल्यू कंसिडर करेंगे. राइट, हमें हमेशा वो वाला वैल्यू कंसिडर करना है क्योंकि हम लोग ये एक्चुअल टाइम निकाल रहे हैं, एक्चुअल टाइम. और क्योंकि रोवन प्लान है और बोनस मिल रहा है वर्कर्स को, दैट मीन्स आपका जो एक्चुअल टाइम है दैट शुड बी लेस देन द स्टैंडर्ड टाइम. तो आपका स्टैंडर्ड टाइम है 40 आवर्स, तो ऑब्वियसली 66 और 30 में से कौन सा वाला कम है 40 से? ऑब्वियसली दिस वन. सो फाइनली हम लोगों का आंसर आ जाएगा एच, कितना आ जाएगा एक्चुअल आवर्स वर्कड, दैट विल बी 30 आवर्स. राइट, ये आ गया आपका आंसर. इलस्ट्रेशन नंबर 20 कंप्लीट हुआ. कमिंग टू द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 21. क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? टू फिटर्स, अ लेबरर एंड अ बॉय अंडरटेक अ जॉब ऑन पीस रेट बेसिस फॉर रुपीज दिस मच. तो यहाँ पर कितने पर्सन इन्वॉल्व हैं टोटल? दो फिटर्स, एक लेबर और एक बॉय, मतलब टोटल चार जन यहाँ पर इंक्लूडेड हैं. द टाइम स्पेंड बाय ईच ऑफ देम इज 220 ऑर्डिनरी वर्किंग आवर्स. ओके, द रेट्स ऑफ पे ऑन टाइम रेट बेसिस, द रेट्स ऑफ पे ऑन टाइम रेट बेसिस आर 1.5 पर आवर फॉर ईच ऑफ द टू फिटर्स. ये जो दो फिटर्स हैं इनको 1.5 पर आवर के बेसिस में मिलता है, और जो चारों जन हैं ये लोग 220 ऑर्डिनरी वर्किंग आवर्स काम करते हैं. और जो लेबरर है उसको हर घंटे में एक रुपये मिलता है, और ये जो बॉय है उसको 0.5 रुपीज मिलता है पर घंटे. द अमाउंट ऑफ पीस वर्क प्रीमियम एंड द शेयर ऑफ ईच वर्कर व्हेन द पीस वर्क प्रीमियम इज डिवाइडेड प्रोपोर्शनेटली टू द वेजेस पेड. ओके, सो यहाँ पर जितना उनको वेज पे किया जा रहा है उस हिसाब से उनको जो है पीस वर्क प्रीमियम उसको भी उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड किया जाता है. ये चीज़ जब हम लोग सॉल्व करेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा. कंप्यूट द सेलिंग प्राइस ऑफ द अबव जॉब ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग एडिशनल डेटा. जैसे हम लोग टोटल पूरे जॉब ऑर्डर का टोटल कितना प्राइस होगा वो हम लोग जैसे कैलकुलेट करते आ रहे हैं, सिमिलरली वही करना है. डायरेक्ट मटेरियल का कॉस्ट दिया है, वर्क्स ओवरहेड क्या दिया है, प्राइम कॉस्ट का 20%. प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगा, मटेरियल है. इन सारे इन्फॉर्मेशन से हम लोग टोटल डायरेक्ट वेजेस कितना होगा वो निकाल लेंगे, उन दोनों को मिला के बन जाएगा हम लोग का प्राइम कॉस्ट. उसका 20% निकाल लेंगे हो जाएगा वर्क्स ओवरहेड, उनको ऐड कर देंगे आ जाएगा हम लोग का वर्क्स कॉस्ट. फिर बोल रहा है कि जो सेलिंग ओवरहेड है वो है वर्क्स कॉस्ट का 10%, और प्रॉफिट जो है वो 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल्स. ठीक है, आई होप ये वाला चीज आपको समझ में आ गया. तो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें कौन सा डेटा पहले से ही गिवन है. राइट, टोटल जो लेबर कॉस्ट होगा वो हमको पहले से क्वेश्चन में दिया है, और दे आर एक्चुअली वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स, 220 आवर्स, ये भी हमको क्वेश्चन में दिया ही है. और जो उनका रेट है दोनों फिटर्स के लिए, फिटर वन एंड फिटर टू के लिए जो रेट है वो कितना है, 1.5 आवर्स. और यहाँ पर जो लेबरर है और जो बॉय है उन लोगों के लिए कितना है, लेबरर के लिए है 1 रुपी पर आवर और बॉय के लिए है 0.5 रुपीज पर आवर. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, डायरेक्ट वेजेस कैलकुलेट करेंगे हम लोग. तो कितना होगा, स्टेटमेंट शोइंग अर्निंग्स ऑफ ईच पर्सन. ठीक है, पहले हम बेसिक वेजेस देखेंगे फिर हम लोग बोनस निकालेंगे, और इसका जो टोटल होगा दैट विल बी 1290 रुपीज, वो हमको पहले से क्वेश्चन में गिवन है. राइट, सो बेसिक वेजेस देखते हैं. फिटर का कितना होगा, ये जो सारे पर्सन हैं दे आर वर्किंग फॉर हाउ मेनी आवर्स, 220 आवर्स. और इनका जो रेट है, रेट कितना है, दोनों फिटर्स का है 1.5, लेबर का है 1 और बॉय का है कितना, 0.5. 50 पैसे उसको पर घंटे के हिसाब से मिलता है.
तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 330 रुपीज़, ये भी 330 रुपीज़, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 220 रुपीज़, एंड दिस विल बी 110 रुपीज़। इन सबको जब हम लोग ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, 6, 8 एंड 9, यानी कि दिस विल बी टोटल रुपीज़ 990, राइट। तो ये तो हो गया हम लोग का बेसिक वेजेस, कितना वो लोग अर्न करेंगे। फिर बोल रहा है बोनस, तो यहाँ पर हम लोग बोनस के लिए तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं है, बस बोला है कि जितना टोटल बोनस होगा वो इस रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को कैसे पता चलेगा टोटल बोनस कितना होगा। ये जो है टोटल वेजेस है हमारे पास, जिसमें से हम लोग अगर बेसिक वेजेस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोनस का टोटल अमाउंट आ जाएगा। सो दिस विल बी 1290 माइनस 990, तो आपके टोटल जितना बोनस है वो कितना है, टोटल है 300 रुपीज़, राइट। ये 330 नहीं है, ये 300 है, 300 रुपीज़। नाउ यू हैव टू डिवाइड द दिस 300 रुपीज़ अमॉन्ग दीज फोर पीपल इन विच रेशियो, इन द रेशियो ऑफ देयर बेसिक वेजेस, राइट। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, 300 हम लोग पहले बॉय के लिए निकालते हैं, ठीक है। 300 डिवाइडेड बाय 990 मल्टीप्लाइड विथ 110, सो ये जो बॉय है उसका कितना आ जाएगा बोनस, रुपीज़ 33, है ना, 33 आ जाएगा। तो इसका जब टोटल अर्निंग्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 143, ठीक है। सिमिलरली जो लेबर है उसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा, 300 डिवाइडेड बाय 990 मल्टीप्लाइड विथ कितना प्रोपोर्शन है, 220, ये आ जाएगा रुपीज़ 67। इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे ये कितना हो जाएगा, रुपीज़ 287। और फिटर वन और फिटर टू के लिए जो भी आएगा वो तो सेम ही आएगा, लेट्स सी कितना आएगा उनका, 300 बाय 990 मल्टीप्लाइड विथ कितना है इनका, 330, ये लोग अर्न करेंगे 100 रुपीज़, बोथ ऑफ देम विल अर्न 100 रुपीज़। तो इनका कितना आ जाएगा टोटल अर्निंग्स, 430। फिटर टू का भी आ जाएगा सेम 430 आ जाएगा, राइट। अब देखते हैं हम लोग, हमारे पास जो है टोटल अर्निंग्स आ गया लेबर का, और अभी हम लोग क्या करेंगे, जो जॉब का जो सेलिंग प्राइस है टोटल वो कितना आएगा कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर मटेरियल दिया है क्वेश्चन में, ऑलरेडी गिवन है 2010 रुपीज़, ठीक है, ये जो अमाउंट है दीज आर इन रुपीज़। लेबर कितना है आपका क्वेश्चन में दिया ही है, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट विल बी 3300। सिमिलरली अभी हम लोग प्राइम कॉस्ट आ गया, इसका 20% हम लोग निकाल लेंगे वर्क्स ओवरहेड। तो 3300 का 20% विल बी 660, इसको जब ऐड कर देंगे ये कितना आ जाएगा, 3960। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड क्या है, बोला है वर्क्स कॉस्ट का 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा, 396, ये तो दिख ही रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा इन दोनों को ऐड करने पे 4356, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 4356, इसका 25% हमें क्या करना है, प्रॉफिट ऐड करना है, इसका 25%, ये हो जाएगा 1089 रुपीज़। इन दोनों को ऐड करने पर ये आ जाएगा हाउ मच, सेलिंग प्राइस विल बी 5445, उस पर्टिकुलर जॉब का जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो कितना है, दिस मच। आई होप आप लोगों को आपका ये आंसर समझ में आ गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इलस्ट्रेशन नंबर 22, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन उसको भी आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 22 क्या बोल रहा है, टू वर्कमैन विष्णु एंड शिवा, दे प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट यूजिंग द सेम मटेरियल, देयर नॉर्मल वेज रेट इज ऑल्सो द सेम। तो इनका जो टाइम वेज होगा दैट इज एच मल्टीप्लाइड विथ आर, वो दोनों के केस में सेम रहेगा। विष्णु इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू रोवन सिस्टम,
वाइल शिवा इज पेड बोनस अकॉर्डिंग टू हेल्से सिस्टम. रोवन कौन सा, वो जो प्रोपोर्शनेट वाला, और हेल्से कौन सा, 50% ऑफ द सेविंग इन वेजेस वाला. द टाइम अलाउड टू मेक द प्रोडक्ट इज 100 आवर्स. मतलब आपका जो एस है यहाँ पर, एस इज योर 100 आवर्स. विष्णु टेक्स 60 आवर्स वाइल शिवा टेक्स 80 आवर्स टू कम्प्लीट द प्रोडक्ट, राइट. तो विष्णु के लिए जो एच है वो है 60 आवर्स, और शिवा के लिए जो एच है दैट इज 80 आवर्स. द फैक्ट्री ओवरहेड रेट इज 10 रुपीज पर मैन आर एक्चुअली वर्क्ड. जितने ही घंटों के लिए वो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको 10 रुपए पर घंटा मिलता है. द फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द प्रोडक्ट फॉर विष्णु इज दिस मच एंड फॉर शिवा इट इज 7600. सो यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस. नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस मतलब क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट वॉट इज आर एंड यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स ऑल्सो. ओके, कॉस्ट ऑफ मटीरियल्स भी आपको फाइंड आउट करना है. सॉरी, दिस इज एम. एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कंपेयरिंग द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एज मेड बाय द टू वर्क्स मैन. ओके, टोटल उनका फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा है वो आपको कंपेयर करना है एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करके. स्टेटमेंट में क्या क्या रहेगा, क्या क्या एलिमेंट्स रहेंगे, मटीरियल रहेगा, डायरेक्ट वेजेस रहेगा और ओवरहेड्स रहेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सो दोनों वर्कर्स का जो अर्निंग्स कैलकुलेट करना है ये हम लोग यहीं पर ही देख लेते हैं बुक में. लेट आर बी द वेज रेट एंड एम बी द मटीरियल कॉस्ट, राइट. तो सबसे पहले हम लोग विष्णु का जो टोटल अर्निंग्स है वो कैलकुलेट करेंगे, जो कि है रोवन प्लान के हिसाब से. रोवन प्लान में क्या है, एच इंटू आर, फॉर्मूला क्या है उसका, प्लस ये हो गया टाइम वेज रेट. बोनस का क्या फॉर्मूला है, बोनस का है एच मल्टीप्लाइड विथ आर मल्टीप्लाइड विथ एस माइनस एच बाय एस, राइट. तो अर्निंग्स ऑफ विष्णु क्या हो जाएगा, ही इज वर्किंग एक्चुअली फॉर हाउ मेनी आवर्स, 60 आवर्स. 60 आवर प्लस उनका जो स्टैंडर्ड आवर्स है वो कितना है, 100 आवर्स. 100 माइनस 60 बाय 100 इंटू 60 आवर. तो इसको सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, 60 आवर कॉमन ले लेंगे अगर इसको, तो हो जाएगा 1 प्लस 40 बाय 100, राइट. सो ये हो जाएगा हाउ मच, 60 आवर इंटू 100 40 बाय 100, और इसको कैलकुलेट करने पर कितना आएगा, 60 इंटू 140 बाय 100, यानी कि ये हो जाएगा आपका 84 आवर, राइट. 84 आवर आ जाएगा टोटल अर्निंग्स ऑफ विष्णु. ठीक है, सिमिलरली तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इसको विष्णु का जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट दिया है दैट इज 7280. सो मटीरियल प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. और उनका जो मटीरियल है, मटीरियल तो हमको कैलकुलेट करना है. सो मटीरियल एम, फिर उसका जो टोटल अर्निंग्स है, अर्निंग्स कितना है, 84 आवर, प्लस उसका जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है, वो फैक्ट्री ओवरहेड्स का क्या रेट है, 10 रुपीज पर मैन आर एक्चुअली वर्क्ड. तो ये हो जाएगा 600 रुपीज. इसको थोड़ा सा सॉल्व करने पर एक इक्वेशन हमारे पास बन के आता है, दैट इज एम प्लस 84 आवर इक्वल्स टू दिस माइनस दिस दैट इज 6680. ठीक है, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर वन. सिमिलरली हम लोग अर्निंग्स ऑफ शिवा निकालेंगे और उससे एक इक्वेशन ऐसा ही फॉर्म करेंगे और उन दोनों को सॉल्व कर देंगे, तो हमारे पास जो एम का वैल्यू है वो भी आ जाएगा और आर का वैल्यू है वो भी आ जाएगा. तो शिवा का अर्निंग्स देखते हैं कितना है. शिवा इज वर्किंग फॉर 80 आवर्स. ठीक है, तो उसका जो एच है दैट इज 80, और हेल्से प्रीमियम प्लान में हो रहा है. सो हेल्से का क्या फॉर्मूला है, एच इंटू आर प्लस 50% ऑफ द सेविंग्स इन वेजेस. सेविंग्स कितना है, एस माइनस एच इंटू आर. ठीक है, ये है हेल्से का फॉर्मूला. तो ये हो जाएगा 80 आवर प्लस 50% ऑफ 100 माइनस 80 इंटू आर. इन दोनों को जब सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अर्निंग्स ऑफ शिवा कितना, 90 आवर. ठीक है, 90 आवर आ गया हमारे पास. और शिवा का जो फैक्ट्री कॉस्ट है दैट इज गिवन एज 7600. मटीरियल है एम, वेज रेट है, वेजेस टोटल है हम लोगों ने अभी निकाला 90 आवर, और फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 10 रुपए पर घंटा, एंड ही इज वर्किंग फॉर 80 आवर्स.
सो फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाएगा 800 रुपीज़। इसको माइनस कर देंगे यहाँ से तो हम लोग के पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, दैट इज एम प्लस 90 आर इक्वल्स टू 6,800। ठीक है, हमारे पास अभी दो इक्वेशंस हैं। एक जो फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज व्हाट, एम प्लस 84 आर इक्वल्स टू 6,680, और दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, एम प्लस 90 आर इक्वल्स टू 6,800। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो एम दोनों कट जाएंगे यहाँ पर, और ये जो है ये आ जाएगा 6 आर इक्वल्स टू हाउ मच विल बी दिस, -120। इसमें से हम लोग आर निकाल सकते हैं, 120 बाई 60, सॉरी 6, दैट विल बी 20। तो यहाँ पर हमारे पास जो आर है, आर का वैल्यू आ गया दैट इज 20 रुपीज पर आर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एम का वैल्यू निकालना है जैसे हम लोग करते थे। इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में हम लोग आर का वैल्यू पुट कर देते हैं। बुक में आपको इक्वेशन 2 में डाल के दिया है तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, इक्वेशन 1 में भी आप डाल के निकाल सकते हैं। सो ये हो जाएगा एम प्लस 90 आर इक्वल्स टू 6,800, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर आप आर की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, सो एम का वैल्यू फाइनली आ जाएगा 5,000 रुपीज। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि आर का वैल्यू आ गया है तो हम लोग विष्णु और शिवा का एक्चुअल वेज कितना है वो कैलकुलेट कर लेंगे। या तो आप डायरेक्ट ऐसे फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हैं, या फिर जैसे हम लोगों ने देखा अभी अभी कि जो विष्णु है उसका आया था 84 आर टोटल अर्निंग्स, सो हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 84 आर दैट विल बी 84 × 20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा सेम 1,680, और शिवा का कितना है 90 आर, 90 × 20 दिस विल बी हाउ मच, 1,800 रुपीज। ठीक है, तो हम लोगों ने आर निकाल लिया जो कि क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट में पूछा था, 20 रुपीज। मटेरियल कॉस्ट यानी कि एम भी निकाल लिया, दैट इज 5,000। और अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट एक बनाएंगे जिसमें कि दोनों वर्कर्स का जो फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा है वो दोनों को कंपेयर करेंगे। ठीक है, मटेरियल लेबर और ओवरहेड तीन एलिमेंट्स हैं हमारे पास। मटेरियल का जो कॉस्ट है 5,000, वो दोनों के केस में सेम है। लेबर कितना है, अभी अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने, जो विष्णु है उसका है 1,680 एंड शिवा का है 1,800, राइट। और ओवरहेड्स कितना होगा, ओवरहेड्स विष्णु का हो जाएगा हाउ मच, 60 × 100, सॉरी 60 × 10 क्योंकि 10 रुपीज पर आर है, और शिवा का हो जाएगा 80 × 10, राइट। दिस इज 600 एंड दिस इज 800। इन दोनों को ऐड कर देने पर जो क्वेश्चन में हमें पहले से ही गिवन था वो दोनों वैल्यूज आ जाएंगे। सो हम लोगों ने एक स्टेटमेंट बना लिया जिसमें कि दोनों का ही फैक्ट्री कॉस्ट हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। ठीक है, आई होप आज का ये क्लास आप लोगों को समझ में आया और अच्छा लगा। और आने वाले क्लास में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड और तीन क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 23, 24 एंड 25। और उसके साथ ही हम लोग का ये वाला जो चैप्टर है एम्प्लॉई कॉस्ट, जो कि बहुत दिनों से चल रहा है, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल द विली टर्टल को सब्सक्राइब करें। और अब अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो एंड चेक इट आउट।